हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सेक्शन 82 से लेकर 86, जो कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंदर दिया गया है। यह चैप्टर है, इसका नाम है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। अब यार, प्रोक्लेमेशन क्या होता है? देखो, अगर हम बेसिक बात से समझें तो प्रोक्लेमेशन मतलब ये होता है कि अगर किसी आदमी के खिलाफ वारंट जारी हुआ है और उसे लाख बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आता, तो कोर्ट उसे रिटर्न प्रोक्लेमेशन देती है। अब सेक्शन 82 का सब क्लोज 1 के अंदर यही दे रखा है कि जब कोर्ट रिटर्न प्रोक्लेमेशन जारी करेगा और उसको डेट ऑफ जो अपीयरेंस है, मतलब जिसको जो आदमी है जिसके खिलाफ वारंट जारी है उसका डेट ऑफ अपीयरेंस है, उसमें कम से कम 30 दिन का डिफरेंस होना ज़रूरी होता है। अब सेक्शन 82 सब क्लोज 2 के अंदर ये दे रखा है कि रिटर्न प्रोक्लेमेशन कैसे जारी होता है, तो उसमें कुछ तरीके दे रखे हैं। जैसे पहला तरीका ये है कि जहाँ पे वो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, जहाँ पे वो पहले रहता था, मतलब जो उसने एड्रेस दे रखा है, वहाँ पे ये वर्बली बताया जाएगा, रीड किया जाएगा कि प्रोक्लेमेशन की, हाँ आपको यहाँ पे उपस्थित होना है इस कोर्ट के अंदर इस डेट पे। दूसरा ये किया जाएगा, जहाँ पे वो रहता है उसके घर के बाहर ये चिपकाया जाएगा, फिर उसके घर के अंदर दिया जाएगा कि प्रोक्लेमेशन की आपको वहाँ पे हाजिर होना है। तीसरा ये है कि जो कोर्ट है उस पर, जहाँ पे सभी नोटिसेस लगते हैं, जहाँ पे आसानी से पढ़ा जा सकता है, वहाँ पर जो मतलब कन्वीनियंट जो प्लेस है, वहाँ पर इसको एक कॉपी इस नोटिस की चिपकाई जाएगी। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार हाँ, मतलब न्यूज़पेपर में भी देना चाहिए, तो वो न्यूज़पेपर के अंदर भी इस चीज़ को दे सकती है। गाइज, सेक्शन 82 सब क्लोज 3 के अंदर अब ये बताया गया कि उसको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि उसने जो रिटर्न प्रोक्लेमेशन है उसका जरिया क्या था, मतलब उसने किस तरीके से रिटर्न प्रोक्लेमेशन जारी किया। अब गाइस, इसके अंदर ना सेक्शन 82 का सब क्लोज 4 के अंदर कुछ सेक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि 302 हो गया, 392 से 400 हो गया, 402 हो गया, ऐसे खूब सारे हैं। अब इनके अंदर ये दे रखा है कि अगर ये IPC मतलब इंडियन पिनल कोड के अनुसार ये जो सेक्शन है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 302, 304, 364, 367, 382, 392 से 400, 402 और 436, 449 और 459, और भी बहुत ज़्यादा, जैसे 460 और मान लो आप, इन जो ये सेक्शंस हैं IPC के, अगर इनके अंडर उसके लिए वारंट जारी हुआ है और अगर वो इस रिटर्न प्रोक्लेमेशन के अंदर वहाँ पर मतलब मौजूद नहीं होता इसके बावजूद भी, तो उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। ये तो गाइस हो गई सेक्शन 82 की बात। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन 83 के अंदर, मान लो यार अगर वो ऑफेंडर घोषित हो गया या फिर वो नहीं आया, प्रोक्लेमेशन जारी करने के बाद भी नहीं आया, तो क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट यार ये करेगी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसे वो अटैच कर देगी इसके साथ। और वो लगभग ऐसे मानो आप 6 महीने, मानो क्या है ही, 6 महीने तक का टाइम देती है, वो अटैच करके रखती है उसको। 6 महीने तक अगर वो फिर भी प्रेजेंट नहीं होता, भाई जब भी आपकी कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अटैच करता है सरकार, तो उसके पास अगले आदमी का इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, वो किसी के भी थ्रू हो, और उसके बाद में उसको 6 महीने का। अब ये सारा देखो 85 के अंदर भी ये दे रखा है सेम ही चीज़, सेक्शन 85 के अंदर, तो उसे 6 महीने तक अटैच कर दिया जाएगा। अगर 6 महीने बाद में भी वो नहीं आता है, वो ऑफेंडर नहीं आता है वहाँ पर, तब उसे जो वैल्यू, जो प्रॉपर्टी है, उसे बेच दिया जाता है, और उसकी जो वैल्यू इनको मिलती है वो इसके अंदर मतलब साथ में अटैच कर दी जाती है, मतलब उस वैल्यू को यूज़ नहीं किया जाता, उसको वैल्यू को अटैच कर दी जाती है 2 साल तक। अगर फिर भी वो 2 साल तक नहीं आता है, तब उस वैल्यू को यूज़ कर लिया जाएगा। अब सेक्शन 84 के अंदर ये दे रखा है कि अगर कोई आदमी, जैसे मानो मैं ऑफेंडर हूँ और मैंने ये जो काम किया है, ऑफेंड किया है, उससे पहले मेरी प्रॉपर्टी मैंने और किसी को बेच दी, या फिर उसी दिन बेच दी जिस दिन अटैच करने वाली थी, या उससे एक दिन पहले बेच दी, और सरकार को अभी तक इस चीज़ का नोटिस नहीं है, तो सरकार उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेती है, तो मेरे पास ऑप्शन, मतलब जो जिसको मैंने प्रॉपर्टी बेची है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जाकर कोर्ट के सामने ये इसी नोटिस से रिलेटेड, इसी वारंट से रिलेटेड वो कुछ कहे, मतलब प्रोक्लेमेशन जो जारी करी है इसी से रिलेटेड उस नोटिस पर ही वो जाकर इस चीज़ पे बोले सरकार को कि ये इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है, इस प्रॉपर्टी के अंदर मेरा इंटरेस्ट है। तो उसके बाद में अगर जैसे आप ये
उसके बाद सरकार उस चीज़ पे वो करती है, रिसर्च करती है, फिर उसके अंदर जाँच करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसके बाद में जो फैसला लिया जाता है वो उसी हिसाब से। कहने का मतलब यार ये है कि उसके बाद में सरकार देखती है कि इसमें अंदर कितना इंटरेस्ट है और क्या सही है और सही है। अगर वो सही होता है तो उस आदमी को वो इंटरेस्ट दे जाता है, मतलब वो प्रॉपर्टी वो अटैच नहीं की जाती, मतलब वैल्यू में उसको ऐड नहीं की जाती, जो ऑफेंडर है उसके वैल्यू में ऐड नहीं की जाती। गाइज अगर हम बात करें, जैसे कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जॉइंट फैमिली की होती हैं, जैसे चाचा बाबा उनकी सभी की होती है, उन केस में क्या होगा, उस केस में मतलब क्या अटैच की जाएगी, मतलब वो प्रॉपर्टी पूरी तो अटैच नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर और किसी का शेयर, उसके और किसी का इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो उस केस के अंदर एक आदमी को अपॉइंट करती है कोर्ट, जो कि वैल्यू ढूंढता है इसकी, कि मतलब औरों का इंटरेस्ट निकाल के फिर जो मतलब जिसका जो ऑफेंडर है उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट निकाल के ही उसको अटैच करती है फिर साथ में। अगर हम बात करें सेक्शन 86 की, तो ऐसे मानो कि अगर आप 84 सेक्शन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जाता है कोर्ट के पास में कि यार मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है, या फिर मेरे को इसने प्रॉपर्टी दे दी थी जाने से पहले, या फिर उसने इसे ये जो ऑफेंड किया उससे पहले प्रॉपर्टी मेरे नाम थी या इसमें मेरा इंटरेस्ट है, और उस पर अगर कोर्ट उस पर उसको मतलब रिलीफ नहीं देता है, तो वो सेक्शन 86 के अकॉर्डिंग जहाँ पे पहले केस हुआ था उस कोर्ट के अंदर ये रीअपियर हो सकता है और वो अपनी जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है वो वहाँ पे मान सकता है। तो गाइस यही था प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट, सिंपल भाषा में मैंने समझाया। देखो हो सकता है कि मतलब वो पूरी तरह मैंने नहीं समझाया, लेकिन अगर आप ये भी सब लिख कर आ जाओगे एग्ज़ाम के अंदर तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कि पढ़ के नहीं जाओ, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब डीप पढ़ना हो उसको, आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के जा सकते हो। और मैंने जो आपको बताया वो अगर आप लिख देंगे, मतलब जो टाइम पीरियड है वगैरह वो तो आपको सही लिखने पड़ेगा, जैसे 6 मंथ है, 2 ईयर है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, रिटर्न प्रोक्लेमेशन के तरीके क्या हैं जो 82 सब क्लोज 2 के अंदर दे रखे हैं, ये सभी आपको अच्छे से वहाँ पे लिखने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो, इसके अंदर आपको जानकारी मिली है जो आपके काम आएगी, और आप समझ गए होंगे प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के बारे में, और आगे की वीडियो आती रहेंगी।